फिलहाल यहाँ वर्क चल रहा है, बट एक सैंपल फ्लोर रेडी है, ऊपर से नीचे तक ये कुछ ऐसा दिख रहा है। बाकी अभी हम देखते हैं इसको अंदर जाके। चलो, तो ये है यहाँ का पार्किंग स्पेस। अभी यहाँ पे थोड़ा वर्क चल रहा है। 370 गज में है ये एरिया, और उधर साइड है सर्वेंट रूम आपके। तो गाइस ये है आपका बिल्डर फ्लोर। गेट एकदम अच्छा बना रखा है, तो जब आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ऊपर देख सकते हो एंट्री में झूमर है, और साइड में मिरर है जहाँ पर आप अपने आप को देख सकते हो कि भाई लुक वुक सही है, अन्य लोगों से मिलने जा रहे हो कैसे मिलना है। और इधर ही आप जब एंट्री करोगे तो ये है आपका मार्बल से बना रखा है, वॉलपेपर टाइप है, बट एकदम अच्छा लग रहा है। यहीं पे आपको आप यहाँ की फॉल सीलिंग देख सकते हो, फॉल सीलिंग एकदम एक क्वालिटी की बना रखी है। और साइड में आपको एक मंदिर देखने को मिल जाएगा, मंदिर भी एकदम अच्छा बना रखा है। अगर आप देखो तो नीचे आपको स्टोरेज रखने के लिए वार्डरोब मिल रही है, यहाँ पर आप अपना मंदिर से रिलेटेड कुछ भी रख सकते हो। और लिविंग एरिया के साइड जाए तो वैसे तो लिविंग एरिया है, इसे गेस्ट रूम टाइप मान के चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप आओ तो फॉल सीलिंग भी यहाँ की एकदम डिफरेंट है, अभी तक जितनी हमने देखी है उनसे डिफरेंट है। और यहाँ पर सामने आपको टीवी पैनल दिख जाएगा, टीवी पैनल भी अच्छा खासा स्पेस में बना रखा है, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा टीवी लगा सकते हो। यहाँ पर आपको लग रहा होगा वॉलपेपर टाइप है, बट भाई ये तो कुछ और ही निकला, कॉमन वॉशरूम है ये, एक रूम के साथ रेस्ट है। अभी ये बिल्डर फ्लोर प्रॉपरली फिनिश्ड नहीं है, बट फिर भी बहुत बेटर लग रहा है। और ये अब चलते हैं हम अपने पहले रूम में। यहाँ पर आपको अभी बेड नहीं रखा, यहाँ पर आपको ये बैठ के सिराना सा मिल जाएगा ये, ओके। और फॉल सीलिंग आपको अच्छी लग रही होगी, यहाँ पर आपको साइड में पर्दा मिल रहा है टिक टॉक अच्छा खासा। और यहीं पे आपको मिल जाएगी बालकनी, बालकनी का स्पेस भी अच्छा खासा है। यह है फ्रंट बालकनी यहाँ की, तो इसी के साथ में अटैच है वॉशरूम। मिरर भी अच्छा खासा है, और अच्छा खासा डिज़ाइन, बहुत ऊँचा और ऊपर तक का मिरर बना रखा है। आपको अलमारी मिल जाएगी, अलमारी में भी अच्छा खासा स्पेस दे रखा है। और यहाँ आपको आपका मिल जाएगा वॉशरूम, वॉशरूम में भी ठीक ठाक स्पेस है, बट अभी ये पैन नहीं है, प्रॉपर नहीं है। अभी मैं सच बताऊँ तो अभी ये पूरा रेडी नहीं है, बट अभी तक का मेरे को बेस्ट बिल्डर फ्लोर लगा है जितने भी मैंने अभी तक वीडियो बनाई है उन सब में। बाकी अब चलते हैं सेकंड बेडरूम में। ये है यहाँ का सेकंड बेडरूम, यहाँ फॉल सीलिंग देखो एकदम, मतलब आप बोलोगे कि भाई ये बिल्डर फ्लोर अब तक का बेस्ट बिल्डर फ्लोर है। अगर आप में से कोई भी रेगुलर मेरे को देखने वाला होगा, इसी के साथ वही वाला वॉशरूम अटैच्ड है जिसमें मैंने बोला था। बस इसमें अभी लाइटिंग वगैरह की प्रॉपर वो नहीं है, मतलब लाइटिंग वगैरह अभी प्रॉपरली बनाई नहीं है। इसी के साथ में आपको अलमारी मिल जाएगी इस रूम के साथ में, अलमारी में भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है दोनों साइड। यहाँ भी अगर आप देखो तो अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। और अभी चलते हैं हम अपने तीसरे बेडरूम में। ये है यहाँ का तीसरा बेडरूम, और अगर आप यहाँ का स्पेस देखो तो भाई बहुत अच्छा खासा स्पेस है। और इसी के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा मिरर, मिरर में भी मतलब यहाँ का भी डिज़ाइन एकदम अच्छा खासा कर रखा है। यहाँ पर आप बैठ के अपना तैयार हो सकते हो, और साइड में आपको अलमारी मिल जाएगी, अलमारी भी गजब है। अलमारी में अगर आप देखो यहाँ पर लाइटिंग दे रखी है, यहाँ पर आपको स्पेस अच्छा खासा दे रखा है इस रूम के साथ। और मैं सच बताऊँ तो रूम वगैरह मतलब बिल्डर फ्लोर जैसा मेरे को चाहिए होता वैसा ही मान के चल लो, ये उसी टाइप का ही है। स्पेस नेक्स्ट लेवल। अब चलते फोर्थ रूम में। ये है अपना फोर्थ रूम, अगर बात करें फॉल सीलिंग की गजब, और इसी के साथ वॉशरूम अटैच है। ये वॉशरूम अभी लॉक है, खुला नहीं है, आई थिंक ये रेडी होगा पूरा। और इसी के साथ हमें मिल रही है अलमारी, अलमारी भी अच्छी है, बहुत अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है।
और इस रूम में आप देखोगे तो फॉल सीलिंग है ना अच्छी खासी, मतलब बहुत अच्छी लगेगी। और ये है आपका, अभी ये कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर अगर बेड आएगा इसमें अभी वॉलपेपर भी लगना है, यहाँ पे वॉलपेपर नहीं लगा अभी, प्रॉपरली रेडी है फिर भी देखो कितना अच्छा लग रहा है ये। अभी ये फ्लोर फुली फर्निश्ड नहीं है, जब ये फुली फर्निश्ड हो जाएगा तो उसके बाद इसका लुक अलग ही लगेगा, सही बताऊँ तो इसकी। हाँ, जब ये फुली फर्निश्ड हो जाएगा तो उसके बाद इसकी वीडियो दोबारा बनाऊंगा मैं, बट अभी मेरे को अच्छा लगा तो मैंने बना डाली। और ये है आपका किचन सेक्शन, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी चिमनी, यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक नहीं है ये वाला, हाइड्रोलिक लगेगा इसमें। हाँ, ये कैबिनेट मिल जाएंगे, यहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हो अपने, यहाँ पर आपका बर्तन वगैरह रखने के लिए भी अच्छा खासा स्पेस दे रखा है इसमें। और यहाँ पर ये आपकी पेंट्री, छोटा मोटा सामान रसोई का सब आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी कुछ सामान आपका आ जाएगा। अगर आप लुक देखो तो नेक्स्ट लेवल ही है, अगर चारों तरफ देख के बात करूँ तो भाई अच्छा खासा बना रखा है, बहुत अच्छा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टीज़ बेचनी या ख़रीदनी हो, आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर किसी ने नहीं किया तो कर डालो, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।